राहुल गांधी का भी पहला बयान सामने आ गया। जम्मू कश्मीर का तहेदिल से राहुल गांधी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में संविधान की जीत हुई है, राहुल गांधी कह रहे हैं। हरियाणा के नतीजों का विश्लेषण जारी, हरियाणा के लोगों का समर्थन के लिए धन्यवाद, राहुल दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं सामाजिक न्याय का संघर्ष जारी रहेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस समय मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। ये देर से राहुल गांधी की नींद खुली है क्या? मतलब नतीजे कल आए, बीजेपी की तरफ से सवाल भी उठा दिए गए, उसके बाद अब जाकर राहुल गांधी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं नतीजे जो कल आए थे उस पर। जैनेन्द्र, बिल्कुल, राहुल गांधी ने कल पूरे दिन चुप्पी साधे रही रोमाना, और उसकी बड़ी वजह यही थी कि हरियाणा में जो झटका लगा कहीं ना कहीं वही वजह रही कि राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई है दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव पर वो अगले दिन आई है। और उससे पहले बीजेपी सवाल खड़े कर चुकी है कि आखिर राहुल गांधी चुप क्यों है, कम से कम उन्हें कर्टसी में ही सही। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी अलायंस की सरकार बनने जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को बधाई देनी चाहिए थी, हरियाणा को लेकर के भी रिएक्ट करना चाहिए था। बहरहाल कल मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट और आज राहुल गांधी के ट्वीट में अगर आप को देखेंगे एक शब्द समान है, अप्रत्याशित। हरियाणा के नतीजे को कांग्रेस अप्रत्याशित बता रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस ने कल कहा भी था कि ये लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत है। कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा के चुनाव में जो है वो धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, काउंटिंग को रोक के रखा गया और यही वजह रही कि कांग्रेस पीछे रह गई, क्योंकि हरियाणा को लेके काफी उम्मीदें थी कांग्रेस को, और खासतौर पे लोकसभा चुनाव के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था जी। वो अति आत्मविश्वास में हरियाणा में बदल गया था। नतीजे झटके देने वाले हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी को रिएक्शन देने में काफी लेट हो गया। और एक राहुल गांधी के लिए निजी झटका भी है, जो उनका एक नैरेटिव था जवान किसान पहलवान संविधान, उसको आगे से राहुल ने लीड किया था। नतीजे बताते हैं कि राहुल गांधी की बात को जो है वो नहीं लिया गया सीरियसली, और यही वजह कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि प्रत्याशित नतीजे हम विश्लेषण कर रहे हैं नतीजों। बहुत शुक्रिया जैनेन्द्र, आपका भी, नीरज पांडे आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।